नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द नॉलेज गुरु के यूट्यूब चैनल पर। सूर्य ग्रहण 2024, सूर्य ग्रहण पर भूलकर भी ना करें। चार काम हो सकते हैं कई नुकसान, जीवन पर पड़ सकता है गहरा असर, बताएंगे इस वीडियो में। तो लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है आज 5 फरवरी 2024 को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। यह सूर्य ग्रहण देर रात्रि 9:30 से शुरू होगा जो कि मध्य रात्रि 1:25 तक रहेगा। अगर सूतक काल की बात करें, जब ग्रहण शुरुआत होती है उसके 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ ऐसे काम हैं जिनको करने से बचना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र की माने तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव प्रत्येक राशि पर शुभ और अशुभ दोनों तरह का दिखाई देता है। साल का पहला सूर्य ग्रहण मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करने की मनाही होती है। आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए, ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या ना करें। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान खाना खाने की मनाही होती है। हिंदू धर्म में शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्य ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ भी खाने से उसका नकारात्मक प्रभाव शरीर पर दिखाई देने लगता है। इस दौरान पका हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ खाने की मनाही होती है। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के दौरान फल सब्जियों को काटने और छिलके का काम भी नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान किसी प्रकार का मांगलिक कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ग्रहण के दौरान नाखून काटना, कंघी करना भी शुभ नहीं माना जाता है। गर्भवती महिलाएं ना करें ये काम। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को इस दौरान चाकू, कैंची या इसी प्रकार की किसी भी धारदार चीज़ का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। ग्रहण के दौरान इन चीज़ों से भी बचें। ज्योतिष शास्त्र मानता है ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए, ऐसा करने से नकारात्मकता बढ़ती है। इसके अलावा सुई में धागा डालना भी ग्रहण के दौरान मना होता है। ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार की यात्रा करने से भी बचना चाहिए।